प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हमें स्क्वायर रूट की क्या आवश्यकता है, क्या इम्पोर्टेंस है स्क्वायर रूट की अपनी लाइफ में। इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना एक बहुत अच्छी स्किल है, मैथ की एक अच्छी स्किल है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि यह है एक ऐसी स्किल है जो आगे आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत आवश्यक होगी। जब आप प्रैक्टिकल प्रोफेशनल बनोगे तब आपको इसकी आवश्यकता होगी। कोई अगर व्यक्ति कहे कि यार मैं 2, 5, 6, 7, 8 का स्क्वायर रूट क्यों निकालूं, क्या जरूरत है, तो इसकी मैं प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस आपको बताता हूं, बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूं। देखो ये एक स्केयर है, ओके, इसको हम लेंथ कहते हैं, इसको हम ब्रेथ कहते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये 25 है इंच है तो ये भी 25 इंच है, ओके। मान लो कि मैं इसके सेंटर में एक निशान डाल देता हूं तो ये डायगोनल बन जाता है, डायगोनल, ओके। तो ये हाइट है, ये बेस है, दिस इज द बेस, ये हाइट है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो पाइथागोरस का जो रूल सेबुलेशन है वो, मान लो अगर ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो सी की स्क्वायर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, और हम इसको कह सकते हैं कि C is equal to A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसकी आवश्यकता कहां कहां होगी, देखो मैं पहला नंबर कहता हूं कारपेंटर, कारपेंटर, कारपेंटर बहुत ही अच्छी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट मान लो इसी चीज को अगर मैं चेंज करता हूं, इसी चीज को मान लो कि ये एक छत है, आपकी फ्लोर है, जितनी ये फ्लोर है उतना ही ये बेस है, तो यहां से आपने एक्सटीरियर बनानी है वुडन, तो इसमें कितनी लकड़ लगेगी, कितने वुडन लगेगी है? वो विदाउट उसको खरीदे, बिफोर द बाइंग, बिफोर बाइंग वी कैन कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्योंकि हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइट भी है, ये इक्वल है, यानी ये हमारा सी हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अगर मान लो कि ये है छत, ये वाला हिस्सा जो हाइट है वो है 12 फुट और ये भी आपका 12 फुट है, ओके। तो आप बहुत ही इजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सी की 2 ए की 2 प्लस बी की 2, सी 12 की 2 प्लस 12 की 2 स्क्वायर रूट। अब आपको उसके जानना पड़ेगा कि कैसे निकालें, इसको कैसे सोल्व करें, तो आपका पैसा बचेगा। हो सकता है आप ज्यादा लंबी वुडन प्लाइस ले लो तो आपको घाटा हो सकता है, तो कारपेंटर कैलकुलेट करेगा डायगोनल्स। लाइक दिस आर्टिस्ट इसको यूज कर सकता है, आपने कोरिडोर देखा हुआ, फ्लिप फ्लेक्स बोर्ड बनते हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, कंस्ट्रक्टर है, वो सब स्क्वायर रूट्स के ऊपर बैठे हैं, उसको स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना ही है। तो क्यों ना हम इसे सीखें, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वीडियोस में आप ये सोच के कि आने वाला मैं भविष्य में इंजीनियर बनूंगा, आर्किटेक्चर बनूंगा और कारपेंटर बनूंगा, तो आपको यह सीखना ही पड़ेगा बेसिक मैथमेटिक्स की स्किल को, ओके। थैंक यू वेरी मच।